बुरहानपुर जिले में भी फूड एंड सेफ्टी विभाग की कार्यवाही के चलते आज बस स्टैंड से 3 बोरियों में बंद लावर इस हालत में मावा जब्त किया गया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम पहले ही बस स्टैंड पर तैनात हो गई। सूचना मिली थी कि इंदौर से एक बस पर मावा बुरहानपुर लाया जा रहा है, जिसके आधार पर बस स्टैंड पर अधिकारी पहले ही पहुंच गए थे। जैसे ही बस पहुंची और पार्सल निकाल कर रखा गया, विभाग के अधिकारी कमलेश डाबर ने छापा मार दिया और 3 बोरियों में बंद मावे को जब्त कर लिया। किंतु करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद भी मौके पर कोई इस मावे का हकदार नहीं आया, जिसके बाद फूड एंड सेफ्टी विभाग ने इसे जब्त कर पंचनामा बनाया। मावे की थैली पर मिलन लिखा हुआ था। वहीं जब अधिकारी कमलेश डाबर से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मावा असली या नकली यह तो कहा नहीं जा सकता, किंतु इसे जिस प्रकार से परिवहन कर लाया गया है यह कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है और जो भी इसका मालिक होगा वह सामने आने के बाद उसके खिलाफ भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।